शुभ प्रभात मित्रों, दो मिनट में समाचार पत्रों की खबरों का वीडियो के माध्यम से अपडेट करने वाले कार्यक्रम समाचार सार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 24 फरवरी है। पंजाब में हुए खालिस्तानी समर्थकों द्वारा पुलिस थाने पर हुए हमले के खबर सभी समाचार पत्रों के प्रमुख पृष्ठ पर प्रकाशित हुई है। वही प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा आज सुर्खियों में हैं। दिल्ली में आबकारी घोटाले के लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए से ईडी की पूछताछ सहित दिल्ली में मेयर चुनाव में हुए हाथापाई का समाचार। तमिलनाडु की विपक्षी राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। उत्तराखंड से यमुनोत्री दर्शन पर राज्य सरकार की पहल। आंध्र प्रदेश से जगन सरकार पर चुनाव आयोग की नजर। भारतीय मूल के अजय बग्गा के वर्ल्ड बैंक के प्रमुख बनने का समाचार। चीन के साथ व्यापारिक संबंध पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा नरेंद्र मोदी से आस। सरकार के प्रयास द्वारा गेहूं के थोक मूल्य में कमी। ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपे हैं। इसके साथ आपसे कल तक के लिए अनुमति चाहते हैं और अनुरोध करते हैं हमारे मंच के इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसार में हमारा सहयोग करें।